दादी जोड़ीदार और रह गई काली भाई जा मां का मरी तो क्या बता जंटर पति ना वाला स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। मैं सर्प मित्र सलमान पठान आपके बीच में फिर से आया हूं एक और नई वीडियो में, जहां का आज का रेस्क्यू कॉल है नरवर से 15 किलोमीटर की दूरी पर बड़ेरा गांव, जहां पर एक जेसीबी मशीन के अंदर एक खतरनाक कोबरा घुस गया है। कोबरा इसलिए घुस गया है कि जेसीबी मशीन एक जगह काम कर रही थी, वहाँ पर गलती से कोबरा में पड़ गई मशीन और गुस्से से मशीन के अंदर कोबरा घुस गया, जिससे कि ड्राइवर की सीट के नीचे जाकर छुप गया। उसको हम पकड़ने के लिए आए हैं लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा है, उसको अंदर से ढूंढेंगे और मशीन के अंदर जहां कहीं भी होगा उस खतरनाक कोबरा को हम बाहर निकालेंगे, उसके जहर के बारे में उसके काटने के बारे में आपको जानकारी देंगे। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्नैक सेवर सलमान पठान और आप लोगों के बीच में आया हूं। आज की समस्या जो रेस्क्यू कॉल है नरवर से 10 से 15 12 किलोमीटर की दूरी पर ये बड़ेरा तो आया है, वहाँ पर ये जेसीबी है और इनकी जेसीबी है। क्या समस्या आज आपके लिए बताएं, क्या नाम है आपको? मैं खान सिदावत नरंग। तो क्या समस्या है यहाँ पूरी? ये जेसीबी में सांप घुस गया था, ये हमारे ऑपरेटर चला रहे इधर श्यामपुर गांव में, तो वो सांप घुस गया मिल नहीं रहा था, तो पहले सलमान खान को बुलाया, फिर वो सांप नहीं मिला, फिर उस सांप को फिर उन्होंने देखा, फिर दोबारा उस सांप को तो देखिए दोस्तों, इस जेसीबी मशीन के अंदर एक सांप है और इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, इसीलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहना है किस तरीके से हम उसको बाहर निकालेंगे। और आप लोगों से भी निवेदन है, मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं, कभी भी किसी बेजबान को बिल्कुल भी ना मारें। जय हिंद। तो दोस्तों ये नीचे से बताया जा रहा है इस गीजर बक्से के अंदर है, मतलब इसमें ही कहीं पे है, तो ये खोलने के बाद ये थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगी इससे, इसलिए भैया इसे खोल रहे हैं जो इसे चलाते हैं गाड़ी को। और नीचे अपने सलमान भाई लगे हुए हैं, ये भाई साहब हैं, और नीचे अपने सलमान भाई लगे हुए हैं क्योंकि कड़ी मेहनत, 2 घंटे हम पहले परेशान हो चुके हैं और अभी आधा घंटा हो चुका है और लगे हुए हैं, देखते हैं कितना टाइम में निकलेगा। तो दोस्तों हमारे सलमान भाई लगे हुए हैं स्नैक को, तो हम करीब 2 घंटे पहले भी घूम चुके थे, 2-3 घंटे पहले, 1-2 घंटे परेशान होके निकल गए थे और अभी फिर दोबारा देखा है तो दोबारा आए हुए हैं, अंदर ही है उसमें। का नीचे पहुंच, नीचे नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे बाहर की व्यवस्था कर ली गई, एक तार जो कि हम स्टिक लेके नहीं आ पाए, जो कि इसलिए थोड़ा तार का उपयोग कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जेसीबी मशीन है, इसके अंदर हम कम से कम 3 से 4 घंटे तक की मेहनत के बाद में हमने इस कोबरा को ढूंढ निकाला है, वो स्टॉल के नीचे है, बहुत जल्द हम इसको खोल कर उसको बाहर निकालेंगे और आपके उसके बारे में कई जानकारी देंगे, क्योंकि इसमें 3 से ज़्यादा घंटे हो चुके हैं इसमें ढूंढते में, कहाँ पे घुस गया था, लेकिन काम करते दौरान मशीन के अंदर जो जेसीबी मशीन है उसके अंदर एक खतरनाक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा घुस गया, उसको हम बहुत जल्दी पकड़ने वाले हैं, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। बाहर देना मैं, क्योंकि अपने आप को ही वाइट कर रहा है। ये देखिए कैसे वाइट कर रहा है, ये देखिए कितना बैनम छोड़ रहा है। बता दोस्तों इसको निकालने में हमें काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि काफी वायर है इसके अंदर, तो वायरों में अंटे लगा लिए हैं और काफी ढूंढने के बाद में इसको हमने पकड़ तो लिया है, लेकिन अभी भी वायरों में अंटे लगा लिया है, तो उसमें खींचने में हमें काफी तकलीफ हो रही है, ज्यादा जोर से हम खींच नहीं सकते क्योंकि उसको
चोट आ सकती है, जख्मी हो सकता है, इसलिए काफी आराम से आहिस्ता आहिस्ता हम इसको यहाँ से बाहर निकालने वाले हैं दोस्तों। सामने सीन ले लो चारों तरफ से। सांस मिलती है उसको, सांस अरे यार इतनी दुकानें हैं ना, कोई टेस्टर पीच का सो, टेस्टर पीच का कुछ भी। हाँ तो आ रहे आ जाए उठो भाई। मत नहीं है ना तू नहीं है देखिए दोस्तों, अब इसको बंद करने का समय आ चुका है। इसको हम चेक करते हैं यहाँ पर डिब्बे में, और डिब्बे में हमने इसकी ऑक्सीजन के लिए काफ़ी छेद कर रखे हैं। इसको चेक करने के बाद में हम इसके वातावरण पर्यावरण में इसको छोड़ देंगे, ताकि अपनी ज़िंदगी ये आराम से जिएगा। कई लोगों में अंधविश्वास के जरिए लोग सांप के काटे से मर जाते हैं, तो कभी भी किसी को सांप काट ले तो बिल्कुल झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। अगर आप हमारे नज़दीक एक बार हमसे जरूर कॉन्टैक्ट कर दीजिए, या सीधा अस्पताल में अपना उपचार करवाइए। अगर झाड़ फूक के चक्कर में रहोगे तो अपनी जान गवा दोगे।
हमारे भारत के अंदर कई जाने झाड़ फूक के चक्कर में जाती हैं, तो अब इसको हम चेक करते हैं, उसको जंगल में ले जाएंगे, वहाँ पर बीज कर देंगे। और आप लोगों से भी कहना है कभी भी किसी बेजुबान जानवर की हत्या बिल्कुल भी ना करें, ये भी एक पर्यावरण का हिस्सा होती है, अगर ये जानवरों को बिल्कुल भी ना मारें। I'm not going to be able to do it.